जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, और ये 100% रियल फैक्ट है। आज भी मेजोरिटी लोग इस चीज से अवेयर नहीं है, लेकिन जो अवेयर थे वो लाखों करोड़ों में खेले और आज भी खेला करते हैं। उनके बारे में आज हम इंटरनेट पर पढ़ा करते हैं, उनकी वीडियोस देखा करते हैं। इसलिए इस चीज को सीक्रेट कहा जाता है, क्योंकि आज भी हर कोई इससे अवेयर नहीं है, जिसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि हम हर वक्त जो भी चीजें देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, उन्हें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए। आप माने या ना माने, लेकिन हर वक्त 24/7 ये काम करता रहता है। आप अपने माइंड को एक टेलीविजन की तरह मान सकते हैं कि आप जिस तरह के चैनल ट्यून करोगे, आपको ठीक उसी तरह की पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, आपके साथ बिल्कुल वैसे ही होते चला जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा, हमेशा आपको कहा जाता है कि थिंक पॉजिटिव, क्योंकि आप अच्छा सोचोगे तब आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आपको कुछ भी ना तो नेगेटिव सोचना है और ना ही कुछ नेगेटिव बोलना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, बट आप यकीन मानो, इसकी प्रैक्टिस करने से आपको इसकी हैबिट डल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस के लिए घर से निकले हो और आप रास्ते में ये बोलते जा रहे हो कि मैं लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, तो यकीन मानो अब 90% चांसेस हैं कि आप लेट हो जाओगे, क्योंकि लेट शब्द खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है। भले ही आप बोल रहे हो कि मैं लेट ना हो जाऊं, लेकिन लेट शब्द आप अपनी जुबान पर ला रहे हो। इसके बजाय आप ये बोल सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं जल्दी पहुंचूंगा, मैं एकदम टाइम पर पहुंचूंगा। यकीन मानो, ये काम करता है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि मैं जल्दी पहुंचूंगा, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। आप यूनिवर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हो, और फिर यूनिवर्स आपको वो सब कुछ अरेंज करके देता है। जैसे कि आप आगे कोई रेड लाइट पर रुकने वाले हो और वहां पहुंचकर देखते हो कि वो रेड लाइट तो बस 2-3 सेकंड में ही खुलने वाली है, आपको वहां रुकना ही नहीं पड़ा। ये सब आपके पॉजिटिव थॉट्स की वजह से होता है, और इसके पीछे रीजन ये है कि जो फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में होती हैं, हमारा ब्रेन भी उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर काम कर रहा होता है। जैसे सिग्नल्स आपके ब्रेन से निकलेंगे, यूनिवर्स आपको वैसे ही चीजें अरेंज करके देगा। जो भी इनोवेशंस हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, वो दो जगह बनती हैं, सबसे पहले इंसान के दिमाग में और दूसरी बार रियल में। लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको पहले उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्लियर करनी होगी कि आपको चाहिए क्या। इतना क्लियर कि जैसे मानो आपको वो मिल गया हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आपने सुना होगा। उनका मानना था कि आपकी जो इमेजिनेशन है वही सब कुछ है। आप जो सोच रहे हो वो एक ट्रेलर है, वो एक प्रीव्यू है आपकी लाइफ में आने वाली चीजों का। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है, इसे अप्लाई कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो तरीकों से अप्लाई होता है। एक होता है अफर्मेशंस, जो आप रोज बोलते हो, जैसे मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, वगैरह वगैरह। और एक होता है कि आप करंट सिचुएशन में खुद को ऐसा मानने लग जाते हो, ऐसा फील करने लग जाते हो जो आपको चाहिए, जैसा आपको बनना है। वैसे तो आपको दोनों तरीके ही अप्लाई करने चाहिए, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो दूसरा तरीका सबसे बेहतर होगा। इसमें आपके दिमाग से लेकर आपकी बॉडी तक वो फ्रिक्वेंसीज काम करेंगी जैसे आप वो बन चुके हो। फेमस कॉमेडियन एक्टर जिम कैरी कहते हैं कि कोई चीज़ आपको तब मिलती है जब आप खुद पे ये भरोसा करते हो कि वो आपके पास पहले से ही है। और एक चीज़ और दोस्तों, कि जो आपके पास पहले से है, उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना होगा। यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना होगा, तभी ये यूनिवर्स आपको वो सब देगा जो आपके पास नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। मैं मिलूंगा आपको फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।